गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आपने मुझे देखा होगा आलय होम्स चैनल के ऊपर। आज मैं नए चैनल पे आया हुआ हूं, अनिल जी के साथ में हूं मैं यहां पर। मुझे एक है ना, अनिल जी ने प्रोजेक्ट हैंडओवर किया था कुछ टाइम पहले, जिसका कि मुझे क्या प्लॉट बनाना था। आपने मेरे चैनल पर देखा भी होगा कि वो प्लॉट साइज़ हमने किस तरीके से निकाला है, बेहतरीन प्लॉट निकाला है डिज़ाइन करके। आज वो साइट पर ही लेके आया हूँ, एक्चुअल साइट पर मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमने उस प्लॉट को डिज़ाइन किया है, किस तरीके से उसका 3D एलिवेशन है। एक 3D एलिवेशन डिज़ाइन को देखना और एक रियल साइट को देखना, दोनों में कितना डिफरेंट होता है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और आज मेरा इस वीडियो में सपोर्ट करने वाले हैं वो हैं अनिल जी। अनिल जी को आपने देखा होगा, अनिल जी ग्रुप ऑफ कुंद्रा कंपनी, ठीक है, उनका दो चैनल है, अनिल कुंद्रा करके भी है और अनिल कुंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनी भी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव साइट से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आपने हमारे पहले वीडियोस पर भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वाले वीडियो पर भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरी प्लानिंग दिखने वाली है साइट की, पूरा 3D एलिवेशन। आप आज रूफ कास्टिंग का काम हो रहा है तो वो लेबर कैसे काम करती है, कितने कॉलम के साथ डिज़ाइन को लेकर गए हैं। आपको आने वाले वीडियोज़ में अनिल सर के चैनल पर भी और पुष्पेंद्र जो आलय होम्स के चैनल पर भी आपको दोनों पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए मैं मिलाता हूँ सबसे पहले आपको अनिल जी से। तो दोस्तों, ये हैं अनिल जी, मेरे बेहतरीन मित्र हैं। आप लोग हम दोनों को पहले भी देख चुके होंगे काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंदर। आज हम एक साथ मिले थे तो हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो शूट कर लिया जाए। यहाँ पर कोई माहौल तो नहीं है वीडियो शूट करने का, पर फिर भी हम क्या साइट पर आए हुए थे आज। एक्चुअल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के अंदर, हम साइट पर आए हुए थे। अनिल जी, कौन सी साइट है ये? ये सर हमारी साइट है गोकुल कृपा की, द प्लेजर गार्डन के नाम से है। और ये अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो पत्रकार कॉलोनी है, पत्रकार कॉलोनी से 3-4 किलोमीटर आगे है, मदाऊ गांव पड़ता है, उसके पास में ये साइट्स है। और ये 200 फीट रोड पे है। अच्छा। जो B2 बाईपास से सीधा जो रोड आ रहा है 200 फीट का, और जो SFS होते हुए आप जानते होंगे मानसरोवर में से SFS होते हुए और सीधा रोड जाके उधर से पीछे से जाके उस जगह से जाके और सीधा रिंग रोड को टच करेगा। और ये जो साइट मैंने आपको दी है, ये हमारे क्लाइंट है मिस्टर विनेश राजपूत जी, जो कि दौसा के रहने वाले हैं और बाई प्रोफेशन ये टीचर है। 6 महीने पहले मैंने साइट दी थी और आज छत डल रही है उस साइट पे, और उसी साइट पे हम दोनों आए हुए हैं क्योंकि वो हमारे रिश्ते, क्योंकि एक बार जब हमसे कोई जुड़ता है तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर बन रहा है या हमारे घर की छत डल रही है। बिल्कुल अनिल जी, जब मैंने आपसे 6 महीने पहले आपसे ये प्रोजेक्ट हैंडओवर लिया था, तब मैं सबसे पहले विनीत जी से मिला था यहाँ पर आके, ठीक है, उनका प्लॉट साइज़ देखा था। जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को पहले ही बता रखा है, 25x50 का प्लॉट साइज़ था, जिसमें अपने को फ्रंट मिल गया था 25 और उसकी लंबाई मिल गई थी 50। तो हमने उस प्लॉट को किस तरीके से डिज़ाइन किया, जो आज हमारे पास लाइव खड़ा हुआ है मकान, वो आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। और मैं जब विनीत जी से स्टार्टिंग में मिला, उनकी पूरी फैमिली से मिला, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के लिए प्लॉट डिज़ाइन कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने लिए ही खुद के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। अनिल जी, ये प्रोजेक्ट आपके ही कंपनी के अंदर है? बिल्कुल सर, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये हमारे एक ग्रुप का प्रोजेक्ट है और ये प्लेजर गार्डन है और लोकेशन आपको बता ही दिए, मदाऊ के पास में है और एक शानदार लोकेशन। मैं आपको थोड़ा सा स्नैपशॉट में पुष्पेंद्र जी को बोलूँगा कि इस लोकेशन के भी स्नैपशॉट हम डालेंगे आपको वीडियो के लास्ट में, आप ज़रूर देखना। ठीक है, मैं डाल दूंगा। चलो, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज आपको प्रोजेक्ट के बारे में डीपली बताते हैं। ओके, थैंक यू।